नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ हूं मैं नेहा वाथम। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का आपसे कुछ ही देर पहले गार्ड ऑफ ऑनर के साथ गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। पूरी प्रक्रिया हमने आपको तस्वीरों के जरिए दिखाई सीधे राष्ट्रपति भवन से और बताया कि हर एक चरण का क्या मायने है। हमारे साथ दो खास मेहमान थे ये समझाने के लिए और बताने के लिए कि हर एक प्रक्रिया पर कितनी बारीकी से ध्यान दिया जाता है। जब भी कोई खास मेहमान, कोई भी विश्व स्तर का नेता यहाँ पर आता है तब गार्ड ऑफ ऑनर के साथ उसका स्वागत किया जाता है। और जो रिश्तों की गर्मजोशी है वो हर जगह दिखाई दे रही है, चाहे वो गार्ड ऑफ ऑनर हो। कल जब प्रधानमंत्री नेतन्याहू यहाँ पहुँचे तब एयरपोर्ट पर किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके गले लगे और उनका स्वागत किया, ये हमने और आपने सभी ने देखा। और किस तरह से आगे इन रिश्तों को ले जाया जाएगा, आज 12 बजे इस पर हैदराबाद हाउस में चर्चा की जाएगी और कई अहम मसौदे हैं जिन पर हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। बेंजामिन नेतन्याहू ने रिश्तों और दोस्ती जो भारत के साथ उनकी है उस पर क्या कुछ कहा, सुनिए। दिस इज अ डॉन ऑफ अ न्यू एरा in the great friendship between India and Israel. It began with Prime Minister Modi's historic visit to Israel, which created tremendous enthusiasm. It continues with my visit here, which I must say is deeply moving for my wife and me and for the entire people of Israel. And I think it heralds a flourishing of our partnership to bring prosperity and peace and progress for both our peoples. शांति और खुशहाली के लिए हर अहम कदम उठाया जाएगा और उसी की तरफ इजराइल और भारत दोनों देश बढ़ रहे हैं। लेकिन ये तस्वीरें बयां कर रही हैं किस तरह से गार्ड ऑफ ऑनर से कुछ ही देर पहले बेंजामिन नेतन्याहू को दिया गया। उनकी पत्नी सारा नेतन्याहू भी मौजूद हैं क्योंकि दोनों को पहुंचना है आगरा ताजमहल के दीदार के लिए। लेकिन इस बीच आज कई अहम जगहों पर दोनों साथ जाएंगे जिसमें राजघाट शामिल है। भारत और इसराइल के बीच रिश्ते कितने गहरे हैं, इनका फलक कितना विशाल है और इसे भी इसराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इंडिया टुडे ग्रुप से खास बातचीत में साफ किया। ग्रुप एडिटोरियल डायरेक्टर राज चेंगप्पा ने जब यरूशलम को राजधानी बनाने के प्रस्ताव के खिलाफ भारत के वोट पर सवाल किया तो नेतन्याहू ने कहा कि हमारे रिश्ते एक वोट से बहुत आगे बहुत बड़े। I don't think one vote affects the general trend, and you can see it in many other votes and in everything in the visits that we have here. Yes, naturally we're disappointed, but I think this visit is a testament to the fact that our relationship is moving on so many fronts forward, and not only in the political sense or the technological sense or security matters or tourism or whatever, it's on the level of the individual citizen. The fact that you can grow your crops better, that you can have better water, cleaner water, better energy, cleaner air, these are things that make a difference for the lives of people. And I think our cooperation advances that. And I think ultimately you'll see that reflected in all the UN votes, not just now, but soon. पूर्व राजनयिक राजीव डोगरा जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राजीव जी, आपसे मेरा बहुत अहम सवाल, क्वालिटी ऑफ लाइफ, इस पर बेंजामिन नेतन्याहू ने काफी जोर देते हुए कहा कि लोगों से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, चाहे वो पानी जैसी बेसिक चीज क्यों ना हो, उस पर हमें काम करने की जरूरत है। पर्यावरण एक बहुत अहम मुद्दा उन्होंने बताया। बिल्कुल, और इसी डायरेक्शन में रिलेशनशिप आगे भी बढ़ रही है। अगर आप देखें कि चाहे फार्मास्यूटिकल कंपनी इंडिया की हो या इरिगेशन कंपनी इंडिया की हो, उन्होंने काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स फ्रंटियर टेक्नोलॉजी वाली कंपनीज जो हैं इसराइल में उनमें की है। और कई कई कंपनियों ने तो बड़ी बड़ी इंडियन कंपनीज ने इसराइली यूनिवर्सिटीज़ को ग्रांट भी दी है कि कॉमन रिसर्च हो जिसमें इसराइल और इंडिया का बेनिफिट हो। तो जो प्रधानमंत्री साहब इसराइल के इशारा कर रहे हैं कि क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़नी चाहिए, चाहे वो डिसैलिनेशन पानी का हो या वो मैक्सिमम यूज ऑफ एग्रीकल्चरल इरिगेशन हो, तो वो तो बहुत ही अच्छा स्टेप है। पर इंडिया की रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो बहुत वास्ट हैं और उनके लिए जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत भरपूर है, जो इंडिया खुद ही कर सकता है, किसी और देश की
मदद इतनी फाइनेंशियल टर्म्स में नहीं होगी, पर टेक्नोलॉजिकल टर्म्स में ज़रूर एक और जो है उसमें सहायता मिलेगी। तो इजरायली प्राइम मिनिस्टर बार बार इस चीज़ के ऊपर जो ध्यान दे रहे हैं वो इसलिए कि वो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बढ़ाना चाहते हैं और अपना जो संदेश है वो भारत की जनता को पहुंचाना चाहते हैं कि इसराइल देखिए क्वालिटी ऑफ लाइफ में जो है सबका साथ सबका विकास जो हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं उसमें कंट्रीब्यूट कर सकता है। पर हमको उससे बढ़कर उसके बियॉन्ड ये सोचना चाहिए कि इसराइल और इंडिया की जो कॉमनलिटीज़ हैं डिफेंस और सिक्योरिटी रिलेशनशिप में वो बहुत महत्वपूर्ण है और उसमें नेचुरली पब्लिकली तो इतना फोकस नहीं होगा पर बिहाइंड द सीन्स बहुत काम होगा। और तीसरी चीज़ जो है जो बहुत अहम है और वो ये है कि अब तक जो इसराइल इंडिया के रिलेशंस में ब्लॉक आता था या स्टंप आती थी वो ये थी कि भाई अरब देश कैसा सोचेंगे, पर अब ज़माना बदल गया है। इसराइल और टर्की के रिलेशंस बहुत स्ट्रॉन्ग है स्पेशली डिफेंस फील्ड में। इसराइल सऊदी अरेबिया के रिलेशंस बहुत आगे बढ़ चुके हैं और पाकिस्तान भी बार बार उत्सुक होकर इसराइल के साथ कॉन्टैक्ट बनाए हुए हैं। तो ऐसे में हमको भी अब पुरानी जो सोच थी जो पुरानी हिचकता थी उसके आगे निकल के इसराइल और इंडिया के रिलेशंस को देखना चाहिए और मेरे को लगता है उसी डायरेक्शन में दोनों के रिश्ते जा रहे हैं कि इसराइल इंडिया रिलेशनशिप अपने आप में एक मायने रखती है और उसमें जो दूसरे कंसिडरेशंस हैं जितने मर्जी इम्पोर्टेंट हो और उनके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए पर वो बाधा ना बने। यानी कि हम ये माने कि जो यरूशलम मुद्दा था वो बहुत ही छोटा मुद्दा था इसराइल के लिए, उससे आगे बढ़कर अब वो बहुत ज़्यादा उन्होंने अपनी सोच को विस्तारित कर दिया है और ये कहा है कि ये छोटी छोटी चीज़ें मायने नहीं रखती, हमारी जो दोस्ती थी वो उतनी प्रगाढ़ रहेगी जो इस यूएन के वोट से पहले थी और यूएन के वोट के बाद भी वैसी ही बनी रहेगी। आपने ठीक कहा कि इसराइल जो है उसने वो यूएन का जो वोट है उसको स्टम्बलिंग ब्लॉक नहीं होने दिया रिश्तों में, और वो ठीक अप्रोच भी है क्योंकि इसराइल भी को भी चाहिए कि भारत का जो कंसिडरेशंस हैं जो भारत की सोच है या जिस कारण भारत ने उस वोट को पर्टिकुलर डायरेक्शन में ले जाया उसके भी जो पहलू हैं उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। वो यही इसराइल के प्रधानमंत्री ने अपनी टिप्पणी में कहा। तो मैच्योर रिलेशनशिप और मैच्योर सिविलाइजेशंस की यही पहचान है कि वो बस अपनी मनमानी ना करें दूसरे का भी सोचें। तो मेरा तो विचार यही है कि ये संकेत अच्छा है और अपने बायलैटरल रिलेशंस के लिए भी ये एक अच्छी दिशा है जिसमें हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि शायद पब्लिक ने इतना नोट नहीं किया होगा पर अगर देखा जाए कि पिछले कुछ सालों में हर साल नए नए और इम्पोर्टेंट बायलैटरल विजिट्स होते रहे हैं और फ्रीक्वेंसी ऑफ विजिट्स जो है ये काफ़ी रेगुलर और इम्पोर्टेंट लेवल तक रही है। तो संकेत यही है कि रिलेशनशिप अच्छी डायरेक्शन में बढ़ रही है और आज का जैसे माहौल है इंटरनेशनल माहौल है उसमें ज़रूरी ये है कि सहमति वाले देश जो हैं वो इकट्ठे कदम से कदम मिला के चलें ताकि विचार कर सकें कि जो मुश्किलें हैं जो टेरर की एक महा प्रॉब्लम जो है दुनिया को खा रही है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। रंजन सावंत जी भी कुछ जोड़ना चाहते हैं कुछ कहना चाहते हैं लेकिन छोटे से ब्रेक ले मुझे रुकना होगा। ब्रेक के बाद हम वापस लौटेंगे चर्चा जारी रखेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ देखते रहिए आज तक। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अब राजघाट पहुंच चुके हैं। सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त राजघाट में हैं नेतन्याहू और उनकी पत्नी सारा नेतन्याहू। यहां पर वो श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को। चित्रंजन सावंत जी, ये तस्वीरें बता रही कि जब भी कोई बड़ा नेता यहाँ दिल्ली पहुँचता है राजघाट उसके शेड्यूल में उसके कार्यक्रम में ज़रूर होता है और यही दिख रहा है इस वक्त। नेहा, उसका बहुत बड़ा कारण ये है कि वो महात्मा गांधी की समाधि है
और महात्मा गांधी को जैसा आपने स्वयं कहा राष्ट्रपिता है, यद्यपि ये टाइटल कहीं संविधान में नहीं है किंतु जन जन के मन में है, जनमानस में है। और अब देखिए ये पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, ये श्रद्धा के सुमन है। और इसी प्रकार से हर राष्ट्र अपने अपने स्थान पर करता है, कई जगह पर वॉर मेमोरियल को किया जाता है और वहाँ पर लोग करते हैं। और यहाँ पर तो देखे समाधि पर पुष्प चक्र समर्पित किया गया और उसके बाद थोड़ी देर मौन खड़े रखते हैं, मौन खड़े रहकर वो प्रार्थना करते हैं कि हे परमपिता परमात्मा, यहाँ पर शांति रहे, समृद्धि रहे और दोनों देशों के बीच में मैत्री अटूट रहे। और शांति और खुशहाली का जिक्र खुद नेतन्याहू भी कर चुके हैं। और ब्रेक पर जाने से पहले आप जिक्र कर रहे थे किस तरह से जनसंपर्क बहुत जरूरी है, दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच भेंट तो हो रही है, वार्ता भी हो रही है, समझौतों पर भी साइन होगा, लेकिन जनसंपर्क बहुत महत्वपूर्ण। और अभी तो ये परिक्रमा भी करेंगे समाधि की, ये भी एक परंपरा पुरानी है। परिक्रमा हर जगह पर नहीं होती, लेकिन हमारे देश में चाहे वो मंदिर हो चाहे वो कोई किसी की समाधि हो, परिक्रमा जो है वो अवश्य की जाती है कि हम चारों तरफ हो आए और श्रद्धा सुमन तो अर्पित किया ही थे, मन ही मन हमने अपने विचारों को भी समर्पित किया। हाँ, जैसा आपने पूछा और मैं स्वयं भी बताना चाहता था कि ये केवल प्रधानमंत्री से प्रधानमंत्री तक की दोस्ती सीमित नहीं है। आप कह रहे हैं इसराइल से आया मेरा दोस्त, वो ठीक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा क्या है, इससे भी ज़्यादा अभी मुंबई में जब जाएंगे तो मुंबई में परसों दो चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पहली बात तो ये है कि बहुत बड़ा एक व्यापारियों का शिष्टमंडल नेतन्याहू जी के साथ आया है जो हमारे व्यापारियों से संपर्क करेगा, और जब व्यापार बढ़ेगा तो खुशहाली बढ़ेगी। और स्वयं नेतन्याहू जी ने कहा कि खुशहाली बढ़ने के आवश्यक है, तो व्यापार बढ़ाना बहुत आवश्यक है। एक बार व्यापार बढ़ गया तो आप समझिए उसको कोई रोक नहीं सकता। दूसरी बात, फिल्म जो मूवी जगत है उसमें जब आपका संपर्क हो गया और यहाँ की मूवी से वहाँ की मूवी तक, तो वो भी अटूट है। आपको याद होगा कि सोवियत संघ से जब हमारी दोस्ती बढ़ी तो राज कपूर की फिल्म आवारा वहाँ बहुत गाई जाती थी, वो नहीं समझते थे लेकिन फिर भी वो आवारा का गाना अवश्य गाते थे। पर्यटन वो भी जनसंपर्क से, और पर्यटन तो जब आप फिल्मों की बात करेंगे, यही नहीं, नेतन्याहू जी ने यहाँ के फिल्म निर्माता हैं उनको आमंत्रित किया है कि इसराइल आओ और नए दृष्टिकोण से नई जगह पर फिल्में बनाओ, उसका चलन अच्छा होगा। तो देखिए जन जन से जन जन का संपर्क फिल्म जगत में और व्यापार जगत में, ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है और इसी के सहारे पर्यटन भी बहुत ही आगे बढ़े। तो राजघाट में श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम लगभग पूरा हो चुका है, वहां पर कुछ देर मौन खड़े रहे सारा बेंजामिन नेतन्याहू और बेंजामिन नेतन्याहू। ये तस्वीरें सीधी राजघाट से हम आपको दिखा रहे थे, लेकिन इस बीच आपको तस्वीरें गार्ड ऑफ ऑनर की भी हम बार बार दिखा रहे हैं, क्योंकि अब ये दोस्ती का एक नया स्वर्ण काल है। भारत और इसराइल के बीच कई अहम ऐसे सौदे हैं जिन पर हस्ताक्षर होंगे, उसके बाद ये अलग चरण पर दोस्ती पहुंच जाएगी। और जैसा कि चित्रंजन सावंत जी भी कह रहे थे कि इस दोस्ती की कोई पराकाष्ठा नहीं हो सकती, ये किसी भी सीमा, किसी भी दायरे, किसी भी बाउंड्री में, जैसे कहते हैं, ये लिमिटलेस है। मतलब आप किसी पठार पर नहीं पहुंचते, प्लेटो नहीं है यहाँ, यहाँ पर तो ऊपर ही ऊपर आप जाते रहे। लेकिन जिस जनसंपर्क का आप जिक्र कर रहे थे उस पर एक बार फिर से लौटना चाहेंगे, क्योंकि कई ऐसे जनसंपर्क से जुड़े मुद्दे हैं जिन पर उन्होंने काफी ज्यादा जोर दिया है। खास बातचीत में उन्होंने कहा कि जो जल से जुड़ा हुआ मुद्दा है, खासतौर पर वाटर रिसोर्सेज, उस पर ध्यान देना जरूरी है दोनों देशों को, क्योंकि ये दोनों देशों के लिए एक कॉमन मुद्दा है। दूसरा पर्यावरण, पर्यावरण पर भी दोनों देश साथ मिलकर काम करेंगे, और कई ऐसी चीजें जिसमें आतंकवाद वो सबसे अहम मुद्दा है बहुत, लेकिन दोनों के लिए, बिल्कुल दोनों के लिए। और इसी वजह से कई ऐसे रक्षा मसौदों पर आज हस्ताक्षर किए जा सकते हैं, कई डिफेंस डील्स हैं जिन पर साइन होंगे, और इसके बाद
प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये तय करना होगा कि किस तरह से दोनों देश साझा होकर, दोनों देश मिलकर एक साथ आतंकवाद से लड़ सकते हैं, काम कर सकते हैं। हालांकि ये चीजें जो है वो आने वाले वक्त में मालूम चलती हैं। सिर्फ एक रक्षा मसौदे पर साइन करने, क्योंकि उसकी डिटेल्स तो आप जानते ही होंगे, कभी खुलकर सामने आती नहीं कि कितना पैसा जो है, हस्ताक्षर हो जाएगा तब अपने आप सामने आएंगी। लेकिन उसके पहले जो है, हम जिसको कहते हैं कि शारीरिक श्रम और शारीरिक भाषा, बॉडी लैंग्वेज, उससे आपको पता चल जाता है कि हम आप कितने एक दूसरे के निकट हैं। तो आप बहुत दूर बैठी हैं, लेकिन खैर कोई बात नहीं है। तो जो बॉडी लैंग्वेज है उससे पता चल जाता है कि हम में मैत्री है या हमें इस समय उद्दंडता है। राजीव डोगरा जी भी, शतरंजन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास भी एक बार मैं रुक करना चाहूंगी, क्योंकि इस वक्त जो मोमेंटो बुक है वहां पर बेंजामिन नेतन्याहू लिख रहे हैं, ये क्या कुछ लिखेंगे कुछ देर बाद सामने आएगा, क्योंकि राजघाट पर वो अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर चुके हैं अपनी पत्नी सारा नेतन्याहू के साथ। राजीव डोगरा जी, यहाँ पर हम बात कर रहे थे चितरंजन सावंत जी से कि किस तरह से जनसंपर्क के मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं कई बार, लेकिन दो देशों के बीच जब वार्ता होती है, जब इस तरह से मैत्रीता सामने स्पष्ट तौर पर दिखाई देती है, तब ऐसे में ये तय कर पाना कितना मुश्किल या कितना आसान होता है कि कौन से वो कॉमन मुद्दे हैं जो हम दोनों को जोड़ते हैं, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिस पर आने वाले वक्त में दोनों साथ मिलकर काम कर सकते हैं, या बहुत सारे अनटच्ड मुद्दे भी रह जाते होंगे जिन पर शायद अभी काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। देखिए, कोई भी हाई लेवल विजिट होती है तो एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ जाती हैं, एंथुजियाज्म भी बढ़ जाता है, और ऐसा लगता है कि आसमान छूने से कम तो हम कोई बात करेंगे नहीं। पर जो प्रैक्टिकल आदमी हैं, जो दूरदर्शी आदमी हैं, वो मोमेंट्री एंथुजियाज्म से हटकर ये सोचता है कि क्या वास्तविकता में अचीव किया जा सकता है। बिल्कुल। तो अगर उस पहलू से हम नापें इस मित्रता को और इस रिलेशनशिप को, तो दो तीन चीजें हम हमारे सामने राजीव जी आपको एक सेकंड के रुकना चाहेंगे। हमारे संवाददाता बालकृष्ण इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। बालकृष्ण, वो बुक जिस पर बेंजामिन नेतन्याहू ने राजघाट में लिखा है मोमेंटो बुक, जिसमें हर वो राजनेता जो यहाँ पर पहुंचता है, कई देश के प्रधानमंत्री जब राजघाट पहुंचते हैं इसी किताब में वो लिखते हैं, बेंजामिन नेतन्याहू ने क्या कुछ लिखा है, क्या ये पता चल पाया है? नहीं, अभी ये थोड़ी देर में पता चल पाएगा कि उन्होंने क्या लिखा है, इसकी जानकारी थोड़ी देर में मिल पाएगी। लेकिन आप देख सकते हैं कि जिस तरह से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पर जब इसराइल गए थे तो लगातार उनके साथ थे नेतन्याहू, उसी तरह से राजघाट से लेकर के राष्ट्रपति भवन से लेकर के सारे फंक्शंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके साथ गए हैं। राजघाट पर उन्होंने अपने मैसेज में क्या लिखा है ये थोड़ी देर में मालूम चल पाएगा। चलिए, आप बने रहिए हमारे साथ, आप पर लौटेंगे और जानेंगे कि दोनों देशों के बीच ये जो दोस्ती है ये एक नए चरम पर, नए मकाम पर पहुंचती हुई दिखाई दे रही है, और बहुत गर्मजोशी से दोनों नेता एक दूसरे से मिल रहे हैं। जहां जहां बेंजामिन नेतन्याहू जा रहे हैं, राजघाट हो या फिर आगे जो दो दिन का उनका कार्यक्रम है, प्रधानमंत्री मोदी उनके साथ रहने वाले हैं। इसी के साथ रुकता हूं छोटे से ब्रेक के लिए। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।